पूरे प्रदेश सहित बलौदाबाजार, भाटापारा संयुक्त जिले में भाटापारा में भी 17 अगस्त बुधवार को माताएं अपनी संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए हलछठी व्रत करती हुई नजर आई। व्रतधारी महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि कमर छठ पूजा में जोड़ा तालाब बना करके इसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगा करके पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही में हलछठी की कथा सुनाई जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में हलछठी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे हर छठ पिंडी छठ या फिर कमर छठ भी कहा जाता है। भगवान बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलछठी कहलाता है। व्रत महिलाएं एवं माताएं पुत्र कामना के लिए प्राप्ति के लिए माँ हलषष्ठी का व्रत की कामना रखते हैं और सुबह से ही नहा धोकर श्रृंगार करके नया वस्त्र धारण करके माँ हलषष्ठी व्रत के लिए उपासना रखती हैं और हलषष्ठी के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं जिसको सगरी कहा जाता है। इसमें माँ हलषष्ठी की पूजा एवं व्रत दोनों का उदाहरण होता है। इसमें माताएं एवं बहनें सब जगह एकत्रित होकर माँ हलषष्ठी की व्रत एवं 12 महीना की त्योहार एक हमारे छठ महाराज है अपन बाल गोपाल सुख शांति से रहा कहके इस पहली से आनंद सब बांधे गए चिनेला चला चला आवासन माँ शहर चावल के और खिचड़ी बना के और छह चार के भाजी बना के अलग खाए जाते बस यही दूध दही पसहर चावल फूल अगरबत्ती नारियल सब भगवान के यही चढ़ा चढ़ते। सरिता ध्रुव की रिपोर्ट।